जयंत पलटन भाई, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सबको पता है कि रोज शाम को 4 बजे में 30 कंप्लीट पेपर का जो सीरीज था, जहाँ रीजनिंग, रिवीजन, रीस्टार यानी कि ट्रिपल आर की सीरीज हमारी चल रही थी, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आज मैं पेपर नंबर 27 लेकर आप सबके साथ मुखातिब हुआ। मतलब 27वां पेपर आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब 27वां पेपर अगर आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, मतलब 26 पेपर आज से पहले डिस्कस कर चुके हैं। पिछली क्लास पर आपकी एक थोड़ी सी शिकायत थी कि सर आप दिख नहीं रहे हो, बार बार मैं देख रहा था, एक ही कमेंट आया जा रहा था, तो वो आज मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा होगा। आवाज के साथ साथ मैं हूं, इस चीज का आभास भी आपको हो रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके कमेंट मुझे आज दिखाई नहीं देंगे, तो प्लीज इस चीज में डाइवर्ट मत होना, डिबेट मत करना कमेंट के अंदर बैठ के कि क्या है, मेरा कमेंट नहीं दिख रहा, लाइव है नहीं रिकॉर्डेड है, नहीं लाइव है नहीं रिकॉर्डेड, उन सबसे हटो और बस पेपर पे फोकस करना, इस पेपर को लगाना। ये पेपर भी और बेहतर पेपर होने वाला है आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए। एंड एक चीज और भी अभी डिस्कस करेंगे कि ये 30 पेपर हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो इसके बाद आगे का हम जो प्लान है 10 दिन का लास्ट का, वो कैसा रखें और किन चीजों के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के पेपर की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेगा बल्टन, क्या आंसर बनेगा पहले प्रश्न का? अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है प्रत्यक्ष रूप से। समय जो है वो चल रहा है और समय का चक्कर चल रहा है। समय टर्म कम दूंगा आज मैं थोड़ा सा इन क्वेश्चन के अंदर, जिन क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो क्वेश्चन जल्दी किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना टाइम काफी है मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। एंड इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूं पेन का। देखो क्या हो रहा है, एक लाइन समझो, ये वर्टिकल लाइन है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब एक चीज तो क्लियर थी कि यहाँ एक वर्टिकल लाइन मिलेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। जब एक वर्टिकल लाइन मिलेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, यहाँ दोनों हॉरिजॉन्टल हैं तो इसको नमस्ते, यहाँ एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, दोनों वर्टिकल हैं इसको नमस्ते, दोनों हॉरिजॉन्टल हैं इसको नमस्ते, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर बनेगा। तो सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 2, दूसरे प्रश्न का उत्तर 2 जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन आप सबकी टीवी स्क्रीन पे आ चुका है, जहां ऑड वन आउट कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में 45 सेकंड इन क्वेश्चंस पे नहीं लगाओगे। मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने पहले भी बोला था कि नॉन वर्बल के अगर 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली तुम लोग 90 सेकंड, ये 1.5 मिनट के अंदर खत्म कर दोगे, ये मुझे लगता है। क्योंकि जब क्लास चल रही होती है, मैं बोल रहा होता हूं, तो ऑब्वियस है कि डाइवर्जन भी चलता है, डाइवर्ट होता है माइंड, कई बार चीजें फोकस नहीं हो पाते। लेकिन पेपर में आप अपने दिमाग से जाओगे, किसी की सुननी नहीं है वैसे का ना। आई थिंक टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो अब चर्चा कर लेते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे ना चारों दिशाओं में ये फिगर आपको दे रहा है, चारों दिशाओं, 4 जो मेन डायरेक्शंस होती हैं, साउथ में, ईस्ट में, इसकी बात करूं नॉर्थ में, वेस्ट में। यहाँ देखो आपका कहा है वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ। यहाँ पे कहा है दैट इज ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। यहाँ देखो कहाँ पे ये है साउथ, दिस वन इज ईस्ट, दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ। तो यहाँ पे ये भी साउथ है और ये भी साउथ है, दो फिगर एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ कोई भी फिगर अगर हम बात करें वेस्ट की तरफ फेस करते हुए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक। सो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की तरफ, तीसरे प्रश्न का आंसर निकालिएगा जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, डॉट का क्वेश्चन है, जल्दी से करो थर्ड का आंसर। समाप्त, देख लेते हैं। ये जो डॉट लग रहा है पहला वाला, वो कहां पे लग रहा है? अगर मैं इसकी बात करूं, ये डॉट आपका लग रहा है ट्रायंगल और स्क्वायर के मध्य, ठीक है, ट्रायंगल और स्क्वायर के बीच में। ये लग रहा है सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर के बीच में, और ये लग रहा है स्क्वायर और सर्कल के बीच में, ठीक है। तो स्क्वायर सर्कल में डॉट नहीं लग सकता, यहाँ ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल तीनों में डॉट नहीं लग सकता, यहाँ भी तीनों में लग सकता है, एलिमिनेट होते चले गए, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 10 सेकंड मुश्किल से लगे होंगे इसमें लगाने में, ये डॉट लग गया, ये डॉट लग गया, एक चाहिए था ट्रायंगल, तीनों डॉट लग गए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, चौथे प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या बनेगा? फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा?
प्रॉब्लम फिगर आपके सामने, आंसर फिगर आपके सामने, आंसर आपको करना, ट्राई करो। आई थिंक टाइम कंप्लीट होने वाला है, मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ दोस्त, मैक्सिमम सीरीज रिपीटेड मिल जाती है, रिपीटेड नहीं होती है तो पेयर में मिल जाती है, आसान करने के तरीके बता रहा हूँ, बाकी तो चॉइस है अपनी अपनी, आप कैसे भी करो, आपको जैसे लगता है आसान कर सकते हो वैसे करो। तो यहाँ मैं पेयर में करूँ तो मेरे को पता है ये माइनस अपनी पोजिशन पे रहा, तो मैं इनका पेयर बनाऊंगा तो ये माइनस अपनी पोजिशन पे रहेगा, बीच में ही चाहिए अपने को, बीच में चाहिए, तो इसको नमस्ते, इसको नमस्ते, इसको नमस्ते, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। बाकी कंप्लीट फिगर चेक करनी है तो पता है कि इस क्रॉस जो है वो एक स्टेप नीचे आया है, तो अब क्रॉस जो है एक स्टेप नीचे आएगा तो इस माइनस के ऊपर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ, इसका आंसर जो है गलत शो हो रहा है, इसको ए कर लेना, सी नहीं होगा, ठीक है ए होगा। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं पांचवें प्रश्न पे, पांचवें प्रश्न का आंसर निकालिए, जहाँ आईफोन है, आईमैक है और आईपैड है, तीनों चीजें आपके सामने दे रखी है ना, आईफोन, iMac और iPad, तीनों एप्पल के प्रोडक्ट हैं तो एक के अंदर, एक के अंदर ही कुछ ऐसा होगा, अगर ऐसा कुछ नहीं, एक ऑप्शन में ऐड भी कर देता हूँ, आई थिंक मिस हो गया शायद सही वाला आंसर है ना, तो वो इसमें बना देता हूँ। सबसे पहले आईफोन ज्यादा चलता है, फिर iPad, फिर iMac, सब बना लेते हैं। आंसर कौन सा रहा है, ए बी सी डी ई, पांचों ऑप्शन दे दिए, कलेक्ट क्लियर हो गया होगा तुम सबको कि साहिल सर ने एक ऑप्शन ऐड किया जो है ऑप्शन नंबर ई, तो मतलब एक चीज तो क्लियर है कि आंसर ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा, ठीक है तो ई आंसर मत लगा देना। आंसर क्या होगा, आईफोन अलग है, आईफोन एक, ये तीनों के तीनों गैजेट है, एप्पल के गैजेट्स में आता है, दैट इज आईफोन मतलब फोन जो होता है, आईपैड जो टैबलेट होता है, एंड आईमैक जो इसका लैपटॉप में आ जाएगा, तो तीनों डिफरेंट होंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ए वाले सारे ठीक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पर, छठे प्रश्न का उत्तर करिएगा, फ्लॉवर व्हाइट और क्लॉथ, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, कभी ना कभी कराया जरूर होगा तुमको, पेड़ या कहीं ना कहीं पे, और मैं बात करूं तो ये मैंने अग्निवीर वायु में भी कराया था और उनके पेपर के आखिरी दिन ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल गया, तो इस प्रकार का कभी कभी कलर चेंज कर देगा लेकिन क्वेश्चन मिल जाएगा, देखो देखने को मान जाओ काफी कुछ मिल जाएगा, वो तो याद तो करोगे तुम मेरे को 26, 27, 28 या तो अच्छे वे में या फिर समझ सकते हो। फ्लावर व्हाइट और क्लॉथ तीनों पे अगर अपन चर्चा करें, तीनों पे अगर हम बात करें, इससे ज्यादा टाइम इसको दूंगा नहीं, इस क्वेश्चन को करने वालों ने सही कर दिया होगा, आप सबको पता है कि भाई ये व्हाइट है और कुछ फ्लावर जो होते हैं वो व्हाइट होते हैं, तो सम फ्लावर आर व्हाइट, और कुछ जो क्लॉथ होते हैं वो व्हाइट होते हैं, सम क्लॉथ आर व्हाइट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ए वाले जितने हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों सातवें प्रश्न की तरफ, सातवें प्रश्न का आंसर करिएगा, सेवंथ आप सबकी टीवी स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर निकालना आप सबको, बताइएगा भाई 56, 56, 54, 162, 158 उसको लफड़ा है ऐसे कैसे जा रहे हैं, कहीं एकदम पास, कहीं एकदम दूर, पेयर वेयर देखो कुछ चल रहा हो तो, नंबर सीरीज आ चुकी है, चर्चा कर लें, अरे बहुत सिंपल है यार, तुम तो कर ही दिए होगे, तुमसे तो उम्मीद है, तुमसे ही कह रहा हूँ, बराबर वाले होते तो तुमसे कह रहा हूँ, क्या चल रहा है देखो 56, तो सबसे पहले हुआ क्या, 56 इंटू अगर मैं करता हूं कितना 1, दैट इज 56, तो मुझे सेकंड 56 मिल गया, अब मैंने क्या किया 56 माइनस 2 तो मुझे 54 मिल गया, फिर मैंने क्या किया 54 इंटू 3 तो मुझे कितना मिल गया यहां से 162 मिल गया, 3 4 12 5 3 15 एंड 162, अब किसकी बारी है, एक बार मल्टीप्लाई एक बार माइनस, तो माइनस कितना नंबर 1 2 3 4, कितना मिल गया 158, सो अब किसका टाइम है 158, क्या होगा मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो मल्टीप्लाई 1 2 3 नाउ 4, 15 5 जा 75, 8 5 जा 40, 75 और 40 को ऐड करोगे 790, ऑप्शन नंबर बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक, तो सेकंड इज द
राइट आंसर। जितने लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, वो सारे के सारे बिल्कुल सही है। चलते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8वें प्रश्न का आंसर करिएगा, 10 × 2 = 8। यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना, बेस्ती मत कराना कि इसका आंसर नहीं आया, गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। सो जल्दी जल्दी कर दो। 10 और 2 8, 14 और 4 10, 24 और 13 क्या बनेगा? उम्मीद कर रहा हूँ इतने टाइम में कर लिया होगा, इसके लिए ज्यादा टाइम क्या दूं यार। अब देखो कहना मत कि ज्यादा चाहिए सर। 10 में से सबसे पहले 2 माइनस किया, 8 बचा है, 14 में से 4 माइनस किया, 10 बचा है, 24 में से 13 माइनस करेंगे, 11 बचेगा, और 11 ऑप्शन नंबर बी है। लगा मल्टीप्लाई है बट हो रहा है सब्ट्रैक्शन, मतलब मल्टीप्लाई जो है वो सब्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया। बाकी देखो यार बूस्टर बैच के अंदर क्लासेस चल रही है दोस्तों, आज मैंने दूसरा एक्सपेक्टेड पेपर भी डिस्कस कराया है। जो लोग कर रहे हैं वो लोग फीडबैक भी दे सकते हैं कि कैसा चल रहा है पेपर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड डेफिनेटली यार मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको पढ़ के तुम्हारा पेपर निकलेगा, मैं ये कह रहा हूँ इसको पढ़ के तुम्हारा स्कोर बेहतर हो। जो 20 से 30 नंबर तुम इंक्रीज कर सकते हो लास्ट के दिनों में वो यही है। वो होते हैं ना लास्ट के ओवर्स में मैच में अगर विकेट हाथ में हो तो क्या होता है, बड़ा स्कोर बन जाता है। तो विकेट हाथ में होने का मतलब जब तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, अब तुमको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो वो आखिरी के ओवर्स बचे हुए हैं, इन आखिरी ओवर में तुम अपना स्कोर बेहतर कर सकते हो। तो उसी के लिए इस पैक के अंदर तुमको 10 रीजनिंग के एक्सपेक्टेड पेपर मिल रहे हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों, लाइव सॉल्यूशन मिलेगा, लाइव डिस्कशन होगा तुम्हारे साथ। 13 मैथ्स के हैं, 13 जीके के हैं, 13 साइंस के हैं, 13 इंग्लिश के हैं। तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इसमें कंप्लीटेड है, सारे के सारे विषय, और बहुत कम प्राइस पर मिल रहे हैं, मतलब मात्र 900 रुपए में मिल रहा है। और मेरा रेफरल कोड सबको याद होगा, नहीं याद है तो नोट कर लो, Y274Y274, इसको लगा के इसमें इंक्लूड करा था। चलते हैं आगे और दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न, अगला प्रश्न मतलब प्रश्न संख्या 9। 9वें प्रश्न का उत्तर कर दो जल्दी से, फास्ट, कितना फास्ट कर सकते हो। एक टेलीफोन के डायल हैं, उनका नंबर्स का क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है या फिर गुणनफल निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, इसकी वैल्यू याद होगी जिनको वो बिल्कुल ठीक है, और जिनको याद नहीं होगी उनके साथ दिक्कत है। तो करिएगा भाई, क्या कर सकते हो आंसर इस वाले प्रश्न के, अगर मैं बात करूँ। समय रुक गया, उससे कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है, अपन समय को वहीं से चला लेंगे, बट आंसर आ जाना चाहिए। अब तो देखो टाइल में नंबर कौन कौन से होता है, गुणा करके देख लो कितना सा टाइम लगने वाला है यार, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे बड़ा नंबर तो मिस कर गए, वो होता है 0। और आप सबको पता है कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जब 0 से गुणा होती है तो सारे हीरो शून्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर होगा ई, नन ऑफ दीज, क्योंकि सारे नंबर्स का जो मल्टीप्लाई आएगा वो 0 आएगा। जब गुणा होनी है तो आखिर में 0 से भी गुणा होनी है, और कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना आ रही हो, जैसे ही 0 से गुणा होगी तो 0 ही बनेगी। तो आंसर डीएनएस मत लगाना, नन ऑफ दीज ही करेक्ट आंसर बनेगा। चलते हैं आगे और बात करते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। क्लॉक इज शोइंग टाइम ऑफ 8, व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर द ऑली निडल टर्न 165 डिग्री। 165 डिग्री घुमाना है किसको, घंटे वाली सुई को। आज मैं इसको बेसिक से नहीं बताऊंगा कि 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है घंटे वाली सुई, फिर 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी घंटे वाली सुई, तो फिर 5.5 घंटे में 165 डिग्री घूमेगी। मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, आंसर निकालो अपने आप, क्या आएगा बताओ जल्दी से, ट्राई। अ क्लॉक इज गोइंग टाइम ऑफ 8, व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर द अर्ली निडल टर्न 165 डिग्री। देखो अपने को करना क्या है, 1 घंटे में घूमती है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। अब घूमेगी कहाँ, बोले 5.5, 5.5 घंटे से अगर मैं गुणा करूं मतलब इसकी, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका सीधे सीधे 165 डिग्री। कितनी देर में रोटेट करेगी, 5.5 घंटे में रोटेट करेगी, 5 घंटे 30 मिनट में रोटेट करेगी। कैसे निकाल लेते हैं, देखो कैसे निकालना, एक चीज हमेशा याद रखो, जो नंबर दे रखे हैं 165 का नंबर दिया, 165 डिग्री बोला है ना, तो उसको क्या क्या करो, उसको सिर्फ 30 से भाग कर दिया करो। जब इसको 30 से भाग करोगे तो यही आएगा आपका 35 जा, ये आ जाएगा 150, देन 15 बचेगा, फिर पॉइंट लगाओगे तो हो जाएगा 150, देन फिर 5 कर दो, देखो 5.5, तो मैं तुरंत समझ में आ गया 5.5 घंटे, मतलब 5.5 घंटे की बात चल रही है, 5.5 घंटे की बात चल रही है, तो भाई वो सुई जो है वो 8 बजा रही थी,
घड़ी जो है 8 बजा रही थी, घंटे वाली सुई जो है वो कितना घूम गई, 5.5 घंटे घूम गई। जब घंटे वाली सुई 5.5 घंटे घूम गई तो अब कितना बजा देगा, 8:05:13, 13:30। 13 किसको बोलते हैं, 13 बोलते हैं एक को, तो 1:30 बिल्कुल सही समय दर्शाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ इतना सबको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मुझसे मत पूछना, प्लेलिस्ट में जाना, क्लॉक वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है बेसिक में, 2 पार्ट के अंदर देख लेना। इतना नहीं कर सकते अगर अपने लिए तो क्या फिर सजेशनों में रखा है, कुछ नहीं रखा, सब मोह माया सा लगेगा। इस प्रश्न का आंसर करो जल्दी से, 11वें प्रश्न का उत्तर निकालो कितना आएगा, 11वें प्रश्न का उत्तर कितना बनेगा। पंद्रह, 14, 13, 12, 11, 10, इस प्रश्न के हिसाब से इतना टाइम है बस, बेसिक नंबर तुम कर देते हो अब तो, पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर भी दिया बहुत से लोगों ने, बिल्कुल ठीक है। देखो चल क्या रहा है दोस्त, आराम से समझना, 3 2 जा 6 है ना, और 6 में 4 ऐड करोगे तो 10, 4 3 जा 12, 12 में 5 ऐड करोगे तो 17, 5 4 जा 20, 20 में 6 ऐड करोगे तो 26, 6 5 जा 30, 30 में 7 ऐड करोगे तो 37। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलते हैं दोस्तों 12वें प्रश्न की तरफ और 12वें प्रश्न का उत्तर करो बस जल्दी से, कितना आंसर आएगा। ABCDE 5 बॉक्सेस आप सबके सामने हैं, बताइए भाई कितना उत्तर बनेगा। चर्चा कर ले हमारा तुमसे पूछ कर देखो फिर, बहुत सिंपल सा है, चलो ज्यादा सिंपल भी नहीं बनाते, थोड़ा टिपिकल बनाते हैं। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी, और बीच वाला है ई। तो हो क्या रहा है कि अगर मैं ए और सी के बीच का डिफरेंस निकाल रहा हूं, ठीक है, ए और सी के बीच के डिफरेंस का आधा बराबर है किसके, बी और डी के बीच के डिफरेंस का आधा बराबर है किसके, ई के। 54 और 90 के बीच में अंतर है 36 का, समझ रहे हो, 36 का। सिमिलर अगर आप आगे चेक करते हो तो 36 और 72 के बीच में भी अंतर है 36 का, और इसका आधा जो है वो बीच में लिखा है 18। सेम यहां पे 72 और 120 के बीच का जो अंतर है वो 48 का है, 48 और 96 के बीच का अंतर भी 48 का है, और उसका आधा जो है वो बीचों बीच लिखा है 24। तो 93 और 155 के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है आपका, 62, और 62 और 124 के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 62। इसका हाफ करोगे तो बनेगा 31, और 31 ही होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट। चलते हैं आगे और बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालो जल्दी से, 13 नंबर का आंसर करो पलट तेजी से भाई, क्या आएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेंसिल इज रिटन एज CELENT एंड फॉस्ट इज रिटन एज FORST, हाउ विल डस्टबिन इज रिटन इन दैट लैंग्वेज, डस्टबिन कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना, ट्राई कर लो कुछ अगर बता पाओ तो, चर्चा कर ले, कोडिंग तो कर लिए होगे। देखो पेंसिल को देखना है अपने को, मतलब देखना क्या है, कोड को देखना है, और ये कोड आई थिंक सब कर लोगे, पेंसिल इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने अपने कैरियर की सेकंड जब क्लास ली थी ऑनलाइन उसमें कराया था, आज भी मुझे याद है, वो बात दूसरे, तब थोड़े से स्टूडेंट दूसरे थे,
देखो क्या होगा, पेंसिल का जो कोड होगा CEI LN P, और इसका कोड दे रखा है FORFP। तो जितने रेगुलर है उन सबने कर लिया होगा कि कुछ नहीं है, जब कुछ समझ में ना आए तो प्लीज वैल्यू को अजमाए। पी होता है 16 पे, ई होता है 5 पे, एन होता है 14 पे, सी होता है 3 पे, आई होता है 9 पे, एल होता है 12 पे। सेम यहाँ पे F6 पे, R18 पे, O15 पे, S19 पे और T20 पे। तो अगर नीचे लिखना स्टार्ट किया है 3 पे, ये 5 पे, 9 पे, 12 पे, 14 पे, 16 पे। सिमिलर अगर यहाँ लिखेंगे 6 पे, 15 पे, 18 पे, 19 पे और ये 20 पे। ठीक है, तो चल क्या रहा है भाई, कुछ नहीं चल रहा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे मेरे लाल, बहुत बार बताया है तुमको, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इस प्लेस वैल्यूज को अरेंज किया गया है, छोटे नंबर से बड़े। सबसे छोटा इन सब में कौन था, 3 नंबर वाला, उसको पहले लिखे, उससे बड़ा 5 वाला, उससे बड़ा 9 वाला, उससे बड़ा 12 वाला, फिर 14 वाला, फिर 16 वाला, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है बस, प्लेस वैल्यू को कुछ और नहीं किया। तो अगर वही करेंगे तो डस्टबिन के साथ भी वही होगा। अब डस्टबिन के साथ भी वही करो, है ना। अब जब डस्टबिन के साथ तुम वही चीज अपनाओगे, मतलब 4, 21, 19, 20, 2, 9, 14, तो सबसे पहले किसको लिखोगे, 2 को, फिर 4 को, 2, 4 हो गया, देन फिर इनसे बड़ा कौन दे रखा है इसमें, 21 है, 19 है, 20 है, 14, तो 14 ले लो, देन 19 ले लो, फिर 20 ले लो, फिर अच्छा 9 भी था क्या, 9 भी तो है यार, तो पहले तो 9 आएगा, 2, 4 के बाद 9 आएगा। मैं इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, 9 भी है, तो सबसे जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज 2, देन फिर 4, फिर 9, देन 14, देन 19, देन 20, देन 21। तो द आंसर इज BDINSTU, BDINSTU ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो वीडियो के बाद मेरे को कमेंट करके जरूर पता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे और बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। 14वें प्रश्न का आंसर करिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आप सबकी टीवी स्क्रीन पे आ चुका है। मयंक इज द सन ऑफ अरविंद, मयंक एंड कश्यप आर ब्रदर्स, दुर्गा इज द मदर ऑफ कश्यप एंड सनहित इज द ब्रदर ऑफ अरविंद एंड हृदय इज द सन ऑफ सनहित, हाउ इज हृदय रिलेटेड टू कश्यप। हृदय जो है वो कश्यप से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बता दो। सो ट्राई मारो एक बार, ट्राई मारने में तो कुछ नहीं जाता ब्लड रिलेशन आप सबके सामने। समय समाप्ति की ओर है, चलो देख लेते हैं। मयंक इज द सन ऑफ अरविंद, मयंक जो है सन है किसका, अरविंद का, ये हो गया अरविंद। मयंक एंड कश्यप आर ब्रदर, मयंक का एक भाई है जिसका नाम है कश्यप। ठीक है चलो, फिर है दुर्गा इज द मदर ऑफ कश्यप, तो कौन हो गई दुर्गा की माँ हो गई, ये पिता हो गए। सनित इज द ब्रदर ऑफ अरविंद, सनित इनके ब्रदर हो गए। हृदय इज द सन ऑफ सनित, सनित का एक बेटा हो गया। हाउ इज हृदय रिलेटेड टू कश्यप, कौन है, कजिन होगा, चाचा या ताऊ का लड़का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। सो वही करो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जितना तोड़ो उतना बेहतर है। इसको करो 15 नंबर को, ठीक, जल्दी से आंसर निकालो इसका कितना बन सकता है, 15 का आंसर। समय रुक गया, उससे कुछ तुम पर अंतर नहीं पड़ना चाहिए, है ना, और मुझे तुम्हारे कमेंट नहीं दिख रहे इस बात से भी तुम पे अंतर नहीं पड़ना चाहिए। तुम पे अंतर पड़ना चाहिए तो सिर्फ इस चीज से कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इतना टाइम काफी हो गया होगा, थोड़ा सा और ले लो, 10-12 सेकेंड। अ बॉय मीट अ गर्ल इन द पार्टी हु इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, एक बॉय एक लड़के से मिला एक पार्टी के अंदर, है ना। अब वाई मीट अ गर्ल इन द पार्टी, एक लड़का है जो एक लड़की से मिला एक पार्टी में, तो वो लड़की ना अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है कैसे, एज द डॉटर ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स, इस लड़के के जो ग्रैंडफादर होंगे, मतलब इस लड़के के फादर के जो फादर होंगे वो इसके ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडफादर एज द डॉटर ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स डॉटर्स ब्रदर, ग्रैंडफादर की डॉटर होंगी ये, उनके भाई होंगे। ठीक है, उनकी कौन है, उनकी ये लड़की है,
उनकी ये लड़की है। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, उस लड़के से कैसे बहन, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सिस्टर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वो उसकी बहन होगा। सो आई थिंक क्लियर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर होगा। अच्छा बॉय पूछा, सॉरी, तो ये यार जो गलती मैंने अभी भी करी है, तुम मत करके आ जाना पेपर में, मैंने बहुत भावुकता के साथ आंसर गलत किए, ठीक है, इसी को कहते हैं कि जो चीज आना वो गलत हो जाना। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू दैट गर्ल, लड़का पूछा है कैसे संबंधित होगा, तो लड़का भाई होगा, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेकंड वाले सारे के सारे, ठीक, चलो वरना ये माइनस फोर में काउंट होंगे। चलिएगा 16 का आंसर करते हैं, 16वें प्रश्न का उत्तर निकालिएगा, ट्राई करके देखो क्या होगा। तुमको बहुत ट्रिक बताई है, बहुत बेसिक समझाए हैं, जितनी क्लासे करी है, कोशिश पूरी करी है कि जो हो सके वो करा जाए, अब तुमको डिसाइड करना है कि तुमने कितना उन चीजों को आगे लेकर चलना है ना। देखो मैं इस पे 45 सेकंड का ही टाइम दूंगा, क्योंकि मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, मुझे लगता है ट्रिक तुमको आती है और तुमने ये क्वेश्चन कर लिया, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और अगर अकेले बैठ के कर रहे हो, मेरे को तो समझाना है, तो तुम मेरे हिसाब से ट्रिक से इतने टाइम में कर लो। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये राइट हैंड एंड दिस वन इज लेफ्ट हैंड, मैं समझाते हुए भी कोशिश करूंगा कि 45 सेकंड में अपन इस क्वेश्चन को निपटा पाए। तो सबसे पहले निशी गोस 3 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, साउथ में लिख दिया, देन शी नाउ टर्न टू वेस्ट एंड मूव 8 किलोमीटर वेस्ट में 8, फिर लेफ्ट टर्न ले रही है एंड 4 किलोमीटर जा रही है तो 4 आ गई। आफ्टर दैट शी टेक राइट टर्न एंड मूव 8, फिर 8 आ गई। नाउ शी टेक राइट टर्न एंड गोज 4, यहाँ 4 आ गई। अगेन शी टेक 2 लेफ्ट टर्न, 8 एंड 4, यहाँ 8, यहाँ 4 आ गई। दिस इज द टोटल, तो 24 हो गया है ना, एंड दिस वन इज 7, 4, 11 हो गया, एंड दिस वन इज 4। सो नॉर्थ का साउथ से डिफरेंस निकालोगे, 11 में से 4 गया, बचा कितना, 7 बचा साउथ में, और ईस्ट और वेस्ट का निकलेगा ही नहीं, ईस्ट में तो 0 है, तो वेस्ट में बचा 24, ये बची हमारे पास वैल्यू। डायरेक्शन पूछता तो साउथ वेस्ट हो जाती, लेकिन डिस्टेंस पूछिए क्या करना है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर दैट इज 4, 576, तो अंडर रूट के अंदर लिख दो इसको, ये ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका 625, जो 25 का अंडर रूट होता है, तो 25 करेक्ट आंसर आ जाएगा। 25 किलोमीटर अगर आंसर आपका भी आ रहा है तो आप बिल्कुल ठीक हो, 25 किलोमीटर सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, थर्ड वाले सारे, ठीक है। जिनको लगा सर कैसे कर दिया, ये राइट लेफ्ट समझ में नहीं आया, दोस्त फिर कह रहा हूँ कि हर एक वीडियो के कॉन्सेप्टेड वीडियो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, प्ले लिस्ट के अंदर जाके पढ़ दो, इतना तो कर सकते हो। बाकी 17वें क्वेश्चन पे आ जाओ, 17 का आंसर क्या हुआ, 17 का आंसर, चलेगा। सो चर्चा कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे भी, वही चीज लगानी है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, राइट हैंड की तरफ राइट एंड लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट, अपने कॉपी पे एक बार नोट कर कर देख लो और उसके बाद आगे की चीजों पर पढ़ना। 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ लिख दो नॉर्थ में, उसके बाद राइट टर्न लेके 30, तो दाएं हाथ की तरफ 30। देखो अगर तुम यहाँ खड़े हो नॉर्थ पे, समझा देता हूँ थोड़ा, तुम्हारा दाया ईस्ट पे आएगा, 30 आ गया। उसके बाद कह रहा है कि फिर से राइट टर्न और 35, फिर दायां लेके 35, अगेन लेफ्ट टर्न और 15, फिर यहाँ 15, और फाइनली लेफ्ट टर्न और 15, फिर यहाँ 15। तो करना क्या है, साउथ में चला 35, वेस्ट में कुछ चला नहीं, ईस्ट में चला 45 और नॉर्थ में चला 35। तो नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस जब निकालोगे, हर प्रश्न में यही करना है, 35 से 35 कट गया। ईस्ट और वेस्ट का निकालोगे, वेस्ट में 0 है तो ईस्ट में बचा कितना, 45। तो 45 मीटर ईस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक। सो डी यानी कि फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया पलटा, ठीक है। चलो
अब चलते हैं आगे और बात करते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां प्रश्न का उत्तर बताइएगा दोस्त, कितना आंसर आएगा? पता होगा जिनको, उनको क्लियर होगा कि जो वायरस की स्टडी जिसमें करी जाती है, वो साइंस को अपन क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी बोलते हैं। एंड सिमेंटिक्स किसको बोलते हैं, सिमेंटिक्स बोलते हैं जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, मीनिंग्स की स्टडी को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, सेकेंड वन इज राइट। चलते हैं आगे और बात करते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 19वां प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से मेरे को बताइएगा कितना आ रहा है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी ज्यादा, है ना? आप सबको पता है कि टन हो गया, गैलन हो गया, ये लीटर हो गया, ये सब क्या एक तरह से मेजरिंग यूनिट में आ जाते हैं, या वेट या किसी भी चीज को करने के लिए यूज किए जाते हैं। भाई विथ डिफरेंस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, थर्ड वन इज द राइट। तो चलते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। 20वें प्रश्न का उत्तर कर दो जल्दी से। अब इस क्वेश्चन में कितना टाइम चाहिए तुम खुद सोचो, क्या है? जीके पे बेस्ड है, जनरल अवेयरनेस पर बेस्ड है आपकी। इंडोनेशिया का जकार्ता से क्या रिलेशन होगा, कनाडा का क्या होगा, कितना टाइम लगेगा वो तुम डिसाइड करो। चलो उम्मीद करता हूं इतने टाइम में कर दिया होगा कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता है। और जब तुमको इतना पता है तुमको ये पता होना चाहिए कनाडा की कैपिटल क्या है। तो अगर तुम सियोल लगा रहे हो कनाडा की कैपिटल तो बिल्कुल गलत करके आ रहे हो, ओटावा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, थर्ड वन इज द राइट। चलते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 का आंसर करिएगा 4, 7, 11, 17, 27 और 45। 4 देन 7 देन 11 देन 17 देन 27 देन 45, व्हिच वन इज करेक्ट? इसका आंसर करिएगा कितना आ रहा है। देखो बहुत सिंपल सा फंडा समझो उसको करने का। सबसे पहले चल क्या रहा है, 4 की गुणा अपन ने करी किससे, 4 दूनी 8, 4 टू द 8 -1 अगर मैंने कर दिया तो मेरे को 7 मिल गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा 7 टू जा 14, मैंने -1 के बाद -3 कर दिया, दैट इज 11 मिल गया। देन 11 टू जा 22, और 22 में मैंने क्या किया, माइनस में कर दिया, कितना माइनस में कर दिया, 1, 3 एंड 5, तो मेरे को 17 मिल गया। फिर 17 की मल्टीप्लाई किया 2 से तो 34, 34 में माइनस में क्या किया 7 किया तो 27 मिल गया। फिर 27 का मल्टीप्लाई किया किस से, 2 से, दैट इज 54, 54 में माइनस में 9 किया तो अपने को कितना मिल गया, 45 भी मिल गया। मतलब समझ रहे हो ना क्या माइनस हो रहा है, 13579, मतलब ऑड नंबर्स को माइनस कर रहा है। तो 45 इंटू 2 इज 90, 90 माइनस इज 11, सो करेक्ट आंसर इज 79। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन बिल्कुल करेक्ट है, ए वाले सारे के सारे पल्टन बिल्कुल। चलते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। उससे पहले फिर मैं आपको बता दूं कि एफ के 2 2022 में अगर आप लोग अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट पे बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट का टाइम जा चुका है, तो ये जो रिमेनिंग 10-12 डेज बचे हैं इनको यूटिलाइज कर सकते हो। जहाँ रीजनिंग में एक्सपेक्टेड 10 पेपर मेरे को कराने हैं आपको, जिसमें सेकंड पेपर मैंने आज कराया, तो जो निकले हैं दोनों पेपर रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, लाइव भी मिलेंगे सारे।
एंड 13 मैथ्स के पेपर, 13 जीके के पेपर, 13 साइंस के, 13 इंग्लिश के, इन सबके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। सो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। वॉन्ट टू बूस्ट योर स्कोर तो बूस्टर बैच के साथ जा सकते हो, जहाँ 900 रुपये में मात्र आपको ये यूटिलाइज करने को अपना सब कुछ मिल रहा है। आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं इसमें एनरोल कराने के लिए, दैट इज Y274Y274। ठीक है, तो कल फिर इसका एक और पेपर मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। तो बात करते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 का आंसर करिए। चर्चा करें पॉइंटिंग 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 को लेके काफी घबराहट थी स्टार्टिंग में, लेकिन मेरे को लग रहा है अभी थोड़ा सा तो उसको कवर अप अपन ने किया होगा। रेगुलर क्लासेस करते करते जो आज से पहले पेपर के टाइम पर पॉइंटिंग फॉर्म को लेकर आपके अंदर खौफ सा था, आज थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा उसको लेकर। ऐसा नहीं है क्वेश्चन होते ना हो, है ना। अब उसको ये भी हो सकता है जब क्वेश्चन होने लगे हो तो ऐसा लगने लगा हो कि इजी क्वेश्चन थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब नहीं होते ना तो बेसिक भी नहीं होते, और जब होते हैं तो सब होते हैं। कॉन्फिडेंस का गेम है बस, और कुछ है ही नहीं कॉन्फिडेंस के अलावा। पॉइंटिंग टू दी फोटोग्राफ ऑफ अ लेडी, एक लेडी के फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए क्या करा सुकन्या सेट, सुकन्या ने कहा क्या कहा। मान लो ये एक फोटो है, इसमें एक लेडी है, इनके फोटो की तरफ इशारा करते हुए सुकन्या ने कहा हर सन सन इनके लड़के का लड़का जो है वो कौन है, इनके बेटे का बेटा। हर सन सन इज द ब्रदर ऑफ माई डॉटर सिस्टर, कौन है मेरी डॉटर के, मतलब सुकन्या की एक डॉटर है मेरी डॉटर के, इज द ब्रदर ऑफ, भाई है किसका मेरी डॉटर के सिस्टर का, मेरी डॉटर की जो एक सिस्टर मतलब बहन का भाई है। तो ये भाई कब बनेगा, जब सुकन्या की शादी इनसे हो जाए तभी बन सकता है। तो सुकन्या की शादी इनसे कराई, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू सुकन्या, लेडी कौन हुई सुकन्या की, सास हुई, मदर इन लॉ हुई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो गए। चलते हैं आगे और बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23 में प्रश्न का उत्तर कर दो बस जल्दी से। पांच फ्रेंड एक बेंच पर बैठे हैं, जल्दी जल्दी आंसर निकालो फास्ट, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताना, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे उसको, ऐसा कुछ नहीं ठीक है, बता देना मेरे को, बट अभी इसको डिस्कस करो और मेरे को बताओ कि कैसा रह रहा है। Five friends are sitting on a bench, A is to the left of B, but on the right of C, D is to the right of B, but on the left of E, who are at the extremes. So, try कर लें क्या? टाइमर रुक गया, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से, बस इसका आंसर तो मेरे को पता होगा। आई थिंक अब ट्राई कर लेना चाहिए, बनता है अपना ट्राई करना, तो ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। देखो पांच फ्रेंड हैं बैठे हुए एक बेंच पर, जब कुछ ना बताओ नोट बना लिया करो ठीक है, ये बेंच है इस टाइप की ठीक है। तो ए टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये बी बैठा है, इसके लेफ्ट में ए है या बाई ओर ए है, बट ऑन द राइट ऑफ, लेकिन सी के दाएं, सी के राइट में कर दो। फिर डी इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में कौन बैठा है, डी बैठा है, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में बैठा है, बैठ गए पांचों। कह रहे हु आर एट द एक्सट्रीम, सी और ई, दोनों पर कौन है, सी और ई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट, फोर्थ वन इज द राइट। जब कुछ ना पता हो तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, नॉर्थ की तरफ मुंह बनाओ, एक्सट्रीम बोला हो, लेफ्ट बोला राइट बोला तो जस्ट बना दो, कोई इशू नहीं। 24 का आंसर करो जल्दी से, 24 में प्रश्न का क्या उत्तर हुआ। चर्चा कर ले, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है ट्रायंगल जो है वो इंडियन को शो कर रहा है, और स्क्वायर जो है ओलंपियंस को शो कर रहा है, एंड रेक्टेंगल जो है वो एथलीट्स को शो कर रहा है ठीक है। तो अगर हम बात करें तो क्या होगा,
बोले एथलीट्स कह रहे हैं हाउ मेनी इंडियंस आर इधर एथलीट और ओलंपियंस बट नॉट बोथ, या तो एथलीट हो इंडियन या फिर ओलंपियन हो, दोनों नहीं हो। मतलब दोनों नहीं हो मतलब अपने को स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का पार्ट एक साथ कॉमन नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ अपने को बनानी है, ऐसी कंडीशन हमें ड्रॉ करनी है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ड्रॉ कर लेते हैं सेकंड, शायद इसको एक मिनट में चेक कर। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं अब इसको। अब दोनों में नहीं होना चाहिए अपने को, ये तो पता चल गया। तो बना लेते हैं कि दोनों में ना हो, तो दोनों का पार्ट ना बने। इसको क्या हो गया भाई, ये तो चल गया। देखो बहुत बेसिक से भी अगर हम इसको देखेंगे तो हमको चाहिए या तो ये ट्रेंगल आ रहा हो स्क्वायर के अंदर, तो ट्रेंगल स्क्वायर के अंदर ये वाला आ रहा है, ट्रेंगल स्क्वायर के अंदर ये वाला आ रहा है, और ट्रेंगल स्क्वायर के अंदर ना आ रहा हो तो रेक्टेंगल में आ रहा हो, रेक्टेंगल के अंदर यार मगर दोनों में ना आ रहा हो, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में नहीं होना चाहिए, तो ये वाला आ रहा है। 10 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 10, 2, 12 और 3, 15। तो सही उत्तर जो बनेगा वो ए आएगा। ए बोले तो फर्स्ट, ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, वैसे होना नहीं चाहिए यार, 27वां पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसका आंसर करो 25वें क्वेश्चन का। प्रोफेन का एक कोड आपको दे रखा है, डिसोबे का कोड आपको बताना है। फास्ट कर दो यार बल्टन, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। मैं जल्दी से चाह रहा हूँ 30 पेपर कंप्लीट हो जाए, फिर कुछ आखिरी के दिन में या तो एक्सपेक्टेड टाइप का या फिर कुछ प्रीवियस ईयर वाले और मॉडल पेपर एंड ऑल डिस्कस करवा लें, है ना। तो वो सब भी करवा लें इस चक्कर में, हूँ ना, करते हैं कुछ ना कुछ ट्राई। चलेगा, प्रोफीन का एक कोड आपको दे रखा है, PROFANE, प्रोफीन। इसका एक कोड दे रखा है, दैट इज KOLCZKY। ठीक है, तो डिसोबे का कोड आपसे पूछा है, तो करना क्या है समझो इस चीज को। पी का ऑपोजिट के, ओ का ऑपोजिट एल, ए का ऑपोजिट जेड, और आई थिंक लास्ट में वी लिखा होगा, वाई नहीं होगा, वी है, ई का ऑपोजिट वी। मतलब ऑल्टरनेट अगर आप लेटर्स को चेक कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, ऑपोजिट लेटर देखने को मिल रहा है ना। ऑल्टरनेट चेक करने पर क्या मिल रहा है, एक ऑपोजिट लेटर देखने को मिल रहा है ना। तो अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट ऑपोजिट अपन लिख सकते हैं, डी का डब्ल्यू, एस का एच, बी का वाई और वाई का बी। इतना चेक कर लो, डब्ल्यू एच वाई बी कहाँ मिल रहा है, आई थिंक डब्ल्यू एच वाई बी ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, इसी को आंसर लगाओ थर्ड। बाकी चाहो तो चेक कर सकते हो, 18 में से 3 गए तो 15, 6 में से 3 गए तो 3, 14 में से 3 गए तो 11, यहाँ -3 चल रहा है। आई में से -3 करोगे मतलब एफ आएगा, और ओ में से -3 करोगे मतलब एल आएगा, ई में से -3 करोगे मतलब बी आएगा। तो डब्ल्यू एफ एच एल वाई बी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। एक और पेपर को हमने कंप्लीट कर लिया, उम्मीद है जल्दी से इस पूरी श्रृंखला कंप्लीट होने वाली होगी, और इस श्रृंखला ने आपको लिटरली बताना दिल से, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को पसंद करते हो, मेरा पढ़ाना पसंद करते हो इसलिए बोलना है कुछ बोलना है, लिटरली जो तुमने फील किया हो, अगर तुमने लिटरली इसके सारे पेपर अब तक के लगाए हैं तो इस सीरीज को लगाकर कुछ बेनिफिट तुम्हें मिला हो तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना आज की वीडियो के नीचे, चाहे लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, जैसे देख रहे हो। इस क्लास के बाद मेरे को कमेंट करके बस इतना बताना कि इस क्लास में, इस सीरीज ने, RRR सीरीज ने बेनिफिट किया तुम्हें, क्योंकि तो पैटर्न चेंज हुआ था। मैं इससे पहले भी 30 पेपर की सीरीज लगवा चुका था, मैं वो प्लेलिस्ट ऊपर ले आता, वो प्लेलिस्ट शो करके कह देता उससे पढ़ लो, लेकिन वो मैंने पुराने पैटर्न पे कराई थी चीजें, और पुराने पैटर्न पे मेरी बहुत वीडियो ऑलरेडी चैनल्स पे, अगर मैं बोलूँ यूट्यूब पे मौजूद थी, लेकिन नए पैटर्न पे कुछ नहीं था। एंड नए पैटर्न पे मैंने कई सारे चैनल्स को विजिट किया तो किसी ने भी कंप्लीट सिलेबस नहीं करा रखा था। तो पहले मैंने सारे टॉपिक तुमको कराए, फिर मैंने ये प्रैक्टिस सेट तुमको कराए, जितना चीजें हुई हैं
ठीक है, तो बस इतना बताना कि ये बेनिफिशियल रहा है, कुछ लगा कि इसका बेनिफिट तुम्हारी प्रैक्टिस पर, तुम्हारी स्पीड पर, तुम्हारी एक्यूरेसी पर, तुम्हारे मार्क्स पर पड़ेगा, तो मेरे को बताना, ठीक है। बाकी महापैक पे अभी डबल बेल्टी ऑफर लाइव है, तो जिस किसी को भी महापैक लेना है फॉर एफ कैट, सी डी एस, सी ए पी एफ, अग्निवीर एंड ऑल, सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी है आपको, आपके परिवार में किसी और को, दोस्तों को, भाई महापैक ले लो, सारी एग्जाम की लाइव क्लास मिलती है, लाइव के साथ वो क्लास रिकॉर्डेड मिलती है, उन क्लासों के पीडीएफ नोट मिलते हैं, उसके अलावा वीडियो कोर्स मिलते हैं, उसके अलावा टेस्ट सीरीज मिलती है, उसके अलावा ई बुक्स मिलती है, किताबें मिलती है, मतलब सब कुछ मिलता है महापैक में, ए टू जेड सॉल्यूशन है। और महापैक लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, जो है Y274, हर किसी को याद होगा, नहीं याद है तो नोट कर लेना, Y274। इस कूपन कोड को इस्तेमाल करोगे और बहुत कम प्राइस पर आप क्या कर पाओगे, चीज को इनरोल करा पाओ, ठीक है। तो आपकी कमेंट अभी मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन क्लास के बाद जरूर मुझे बताना कि कैसा रहा ये सफर। थैंक यू सो मच एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राधे राधे, मुलाकात करते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन।